कर लेना फिर वो करैक्टर मेरे अंदरों आप ही उदा बिहेव करता मैं टेंशन नहीं होती फिर कोई तो करैक्टर बड़े पॉपुलर हुए मैं कहा एक कोई एह जहा करैक्टर जिस तरह मुंडे यूके का काफी उस अंदाज जरा ब्रेक अनाउंस कर दे सो मेरा तो किधर डील काट ला कि इंटरव्यू चलती है तो चलती रहनी चाहिए है लोग किधर गल सुनते हैं पर किधर थोड़ी मजबूरी होंगी है तो उन्होंने किधर ब्रेक लेना पैंता है जी सो इन्हों की मजबूरी समझते हैं तो किधर ध्यान मिलते हैं जी इसी ब्रेक तो बाद वेलकम बैक अज फिल्म अज दे रांझे दी स्टारकास्ट विचो मनमोहन सिंह जी गुरप्रीत कुगी गुरलीन चोपड़ा ते अमन तालीवाल साडे नाल ने अमन तुसी इस फिल्म विच रांझे बने हो कि असल जिंदगी विच भी रांझे सी जदों कॉलेज च पढ़दे सी हाँ जी उस तरह का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड सीगा घरों बड़ा प्रेशर सीगा हाँ पर एक तकरीबन जिहड़ा मेरा किरदार आ वह हर किसी नौजवान का अपना अक्ष दिखाई देगा क्योंकि सारे की प्रॉब्लम सेम होंगे पढ़ लिख के डिग्रियां करके फिर भी नौकरियां ना मिलनिया सेम प्रॉब्लम घरों उन्होंने गाला पैंदिया ने बारह लोग रांझे कहते वेले अजक वेले शब्द में कह देंगे भी वेला तो रांझा है जी सो मैं लगता कि हाँ बिल्कुल मेरे कैरेक्टर रिलेटेड एज इट इज पोर्ट्रेट हो फिल्म गुरलीन तुम ये किन्ने रांझे सीधे किए ने मेनू तो कोई सच्ची दसा तो मेरी कह लो एक बहुत बैड ही है मेरे मेनू कोई फॉलो ही नहीं करता ना मेनू कोई फोन करता है ना सब नू लगता है भी इन्नी सोहनी कुड़ी है पक्का फसी होनी है किसी ने पहले जबकि मेरा कोई अफेयर ही नहीं है मतलब कि तुसी ओपनली इस चीज नू मान रहे हो कि मिसकंसेप्शन लोगों के द्वारा दोबारा करना शुरू कर दोगे लोग क्लियर कर देना तुझे ये उल्टा मैंने लोग किसान है होनी है दी गर्लफ्रेंड है तो छोड़ दो ये गल पता की भाजी इतने आके सारे इदा शो कर दे जिदा किसी और प्लैनेट तो आए ने कोई ना तो उन्होंने कभी किसी का पीछा किया ना इन्हों का कभी कोई सोसाइटी च रही नहीं नहीं मैंने फॉलो जरूर नहीं तो करते रहे भाजी देखो सीधी जी गल है जुड़ी कोई जानकारी देना चाहोगे जानकारी इश्क जेड़ा जी डेफिनेशन की है तुहानू जरूर पता होना चाहिए इश्क जे तो सिर न चढ़िया कोई भूत है या कोई एक बदतमीजी तो खुराफात कोई दिमाग से चढ़िया तो बड़ा डेंजरस इश्क हों जे इश्क तुम अपना फारसाइटिड होकर करते हो एक्साइटिड होकर नहीं सिर्फ एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली इश्क च होंगी है एक वाइज डिसीजन अगर इश्क एक वाइज डिसीजन है तो मेरे ख्याल इस तो वधिया खूबसूरत गल होर कोई नहीं हो सकती पर कहा जाता है इश्क भी अवला है काम भी अवला जिद पेश पै जाता कोई छड़ता ना पल्ले जे जिद पेश पै जाए जे तुसीं इश्क दे पेश पै जाओ फिर इश्क दे पल्ले कख नहीं दिंदा हाथ जोड़ दिंदा तू सच्चा है बई इश्क पिछे मैं थानेदार सच्ची भर्ती हो गया सी एक बारी इश्क पिछे मैं 93 जे एस आई भर्ती हो गया सी क्योंकि साडी सोसाइटी च की है कि जे हुण विआह कराना है जां तुहानूं तुसीं किते घरदे नूं दसणा है कुड़ी दे घरदे नूं तुहाडे कोल जॉब होनी चाहीदी जां कोई दुकान खुली होनी चाहीदी है तो मैं 93 च एवें पेपर देते भाजी एस आई दे 16 सैक्टर च ही होए सी तो पेपर बड़ा सौखा सी घंटे का पेपर मैं पौने घंटे च करके वेला हो गया उन्हें गेमां लवाईआं मैं पंजां च चार गेमां क्लीयर कर लिया छाती छाती मिनी पूरी वह कहिंदे जी रिटन दिओ इंटरव्यू तो चले जाओ सो कहने का मतलब है जी कि मैं करी सच्ची थानेदार भर्ती हो गया जी सिर्फ विआह कराने वास्ते बतौर स्पोर्ट्समैन तुसी फिल्म दे विच फोटोग्राफ से नजर आए हो एक थानेदार दा रोल भी है किहड़ा किरदार इन्हां विचों इन्ने शेड्स विचों किहड़ा शेड तुहाडा पर्सनल फेवरेट है हाँ मैं थानेदार वाले कहांगा जी क्योंकि थानेदार इंस्पैक्टर का जो एटीट्यूड है जो बिहेवियर है मैं लगता मैं कितना कितने फड़ सकिया मेरा जो एंटीना सी नैटवर्क वाला उन्हें कितना कितने फड़ लिया जाके तो ता ही मैं लगता साडे डायरेक्टर साहब मनमोहन जी के पैरामीटर से खरा उतरिया तो ता ही टेक ओके होंगे रहे जी साडे गुरलीन फिल्म के दौरान तुहाडी बेस्ट लाइन केड़ी रही है मेरी इंट्रोडक्शन ही है जी इंट्रोडक्शन किस तरह जरा बोल के सुनाओगे आज दे समय विच जवानी ने नशे दा जहरी नाक दस रहा फतेहगढ़ साहब दे इलाके विच कुछ नशेड़ियां ते नशे दे व्यापारियां ने कुछ ज्यादा ही आज चुकी हुई है अज इत्थों दे थाने विच कुछ नशेड़ियां नूं फड़ लैंदा गया ते मैं क्रांति किरण तुहानूं इस घटना दे विस्थार पूर्वक जानकारी देण जा रही हां वाह जी एक बार तालियां हो जाण मेरे के ਵਾਜੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀਆ ਇਹਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੇਕਰਸ
जी इतों के और साढ़े सबजैक्ट साढ़े इशूज यदियाँ गल् हो पंजाबी सिनेमा उदो लोग डरते कि शायद रिकवर नहीं होएगी साडा पैसा लाने तो लोग डरते सो इनिशियल प्रॉब्लम सानू काफ़ी सगिया लेकिन हौली हौली मेरा ख्याल अज जो माहौल है अज यह है कि लोग पैसे चक्की फिरते जी फिल्म बना दो सो देखो इन्नी वो चेंज लियानी इन्ने सालों के मेरा ख्याल है कि पंजाबी सिनेमा जिन्हें कहा कि हूँ अपने पैरों पर खड़ा तो हम अगे हम दिन ब दिन वधे गई है तुसी प्रीमियर ते डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पंजाब सुखबीर बादल होना नु बुलाया मेरी उन्हां नाल गल हुई तो उन्होंने कहा कि हुण असीं हर साल पंजाबी सिनेमा नु लैके स्टेट अवार्ड्स करावांगे तुहानूं लगदा है कि यह कदम जायज है ते कि पूरा पूर्ण तौर पर है पंजाबी सिनेमा नु प्रमोट करन लई बिल्कुल बहुत वड्डी गल है जी स्टेट गवर्नमेंट जे इस तरह का कोई कदम चुकती है तो यह साडी इंडस्ट्री नु साडी पंजाबी जबान लई साडे कल्चर लई बहुत वधिया है क्योंकि पंजाबी जबान नु या कल्चर नु सांभण लई इह मीडिया बहुत जरूरी है सिनेमा जिहड़ा है पर इत्थे देर है दुरुस्ताई वाली गल ते नहीं होगी कि नहीं ऐसी गल नहीं जदों भी आवे साडे इट्स वेलकम क्योंकि फिल्म सिटी की गल पंजाबी सिनेमा नु लैके काफी देर तो चल रही थी इत्थे चंडीगढ़ च फिल्म सिटी बनावांगे पर अज तक वो मैं हिंदी च एक गल याद आती है कि धूल उनके चेहरे पर थी और ये तमाम उम्र सरकार जो है वो आईने साफ करती रही जिमें लग रहा है जिस तरह उन्होंने उस दिन अनाउंस किया कि असी अवार्ड्स करा जा रहे हैं और होर जो भी पॉसिबल ये करा तो मेरे खेल इंटेंशन है ने और असी आस नहीं छड़ते अजे भी एक्सपैक्ट करते हैं कि सानू इत्थे इंडस्ट्री थोड़ी जी थान दी जाए पंजाबी इंडस्ट्री लई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सानू चाहिए इत्थे बॉम्बे तो स्पेशली आके इत्थे जो करते हैं वो इत्थे सानू मुहैया करवाया जाए और सरकार कर सकती है और मेरा ख्याल है जरूर करेगी तो गुरप्रीत तुसी इहदे विच किम नाल किमी वर्मा नाल इश्क जिन्हों कहिंदे फरमा रहे हो पर उन्हां दी भाषा जिहड़ी है वो थोड़ी एना दा स्टाइल वाली सी जवानी जिहड़ी अपनी भाषा हुंदी है कहिंदा वाह जवानी तेरे जई नहीं होनी अखों अन्नी कन्नो बोली फिर सोहनी दी सोहनी क्या बात मान जी प्लीज इस फिल्म दे विच जिवे गल कर रहे सी ना कि जिहड़ा सिर्फ बोल के ही नहीं हुंदा सो इहदे विच मेरा ख्याल है काफी पोर्शन आएगा इशारे सिर्फ बोल दे रहे इशारे ही चल रहे ने और बहुत खूबसूरत इशारे जिहड़ा इशारे समझ गया रब दे नजारे मन लगे नजारे समझ गया गुरिन तुहाडे सामने फिल्म दी यूएसपी जिहनूं असीं यूनिक सेलिंग पॉइंट कहिंदे आ कमर्शियल एस्पेक्ट नाल वेखिए की है पहला तां मान जी कि मान जी दी फिल्म है सब तों वड्डा तां इही पॉइंट है दैन रोमांस है कॉमेडी है फर्स्ट टाइम मांझी की फिल्म च एक्शन आ रहा और मैं फिर जिते सारी जगह पर क्या मैं फिर कहना चाहूँगी गुरलीन चोपड़ा ने पहली बार इन्ना सोहना दिखाया मांझी ने जो अज तक कदे किसी ने नहीं दिखाया और इन्नी सोहनी परफॉर्मेंस कढ़वाई है मांझी ने मेरे तो कि हर करैक्टर तो हर करैक्टर नवे नवे शेड में है डिफरेंट शेड्स में है सो इस तो उपर होर की होएगा दसो म्यूजिक साडा इन्ना अच्छा चल रहा है इन्ना अच्छा हिट हो चुका है मार्केट च ऑलरेडी सो एवरीथिंग इज देयर अपन तुहाडे सामने जिहड़ा यूथ है यूथ नूं काफी हद तक पंजाबी सिनेमा टारगेट करने की कोशिश करता है तो यंगस्टर्स जिहड़े ने वो तुहाडी फिल्म क्यों देखण आ यंगस्टर्स फिल्म इस करके देखण क्योंकि एक तो कोई भी वलगैरिटी नहीं हैगी क्योंकि अजकल की है थोड़ा जिहा ट्रेंड उन्होंने अपने सभ्याचार की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है पंजाबी जबान की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म आ जी उन्होंने फ्लेवर की फिल्म उन्हों दिया ही जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने दर्शाउंदी फिल्म आ उन्होंने एक डायरेक्शन है फिल्म के जरिए मिलेगी हासा ठट्ठा तो बहुत है जी एक्शन भी बहुत है फिल्म के सो हर एक कंप्लीट पैकेज आ नौजवानों के लिए चाहे उन्होंने रिलेशन आ पुलिस पुलिस के नाल उन्होंने जो इंट्रैक्शन आ जो सीनस आ सो हर एक चीज़ आई थिंक ये हैगी है तो दूसरी गल मांझी की फिल्म आ सो इस दौरान तुहाडा कोई मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस जिहड़ा कभी भुलाया नहीं भुल सकता मेमोरेबल तो जी उही जिहड़ा इत्थे चैनल च हो गया सीगा मैनूं नहीं सी पता भी मेरे नाल मजाक किया जा रहा मैं सीरियस लै गया सीगा इस गल नूं सो मैनूं बाद च पता लग्या कि वो सारा उहदा मजाक गुरलीन तुहाडा कोई इहो जिहा एक्सपीरियंस मेरे लिए तो हर पल मेमोरेबल है इस फिल्म दा क्योंकि इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट एंड मांझी नाल पहली बार काम किया हाँ एक सी गाना सा ड्यूट सॉन्ग उहदे च मैं येलो सूट पाया उहदे च मांझी ने बहुत ही खूबसूरत मैनूं दिखाया बड़े प्यारे एक्सप्रेशंस मेरे शूट किए हैं जो मैं कभी भी हुण भी अखां बंद करदी हां तां येलो सूट च अपने आप नूं देखदी हां इट्स मेमोरेबल मूवी मांझी येलो तो कितने उदो पिछे कारण तो नहीं सी फिल्म चांदनी च जो उहदी सिनेमाटोग्राफी श्रीदेवी ने भी तुसी येलो जिन्हों कहिंदे लिबास च काफी बार वाइट एंड येलो इस्तेमाल उहदा काफी कीता सी ठीक है
यस जी ये जो कॉम्बीनेशन बड़ा यूज करते दे लव्स इट कि उन्होंने जिम्मे वाइट बहुत अच्छा लगता है और ये पेस्ट्री शेड्स ने छोटिया छोटिया स्पेशल लेमन है ये है पिंक है वो काफ़ी यूज करते रहे हैं और उन्होंने इन्ने साल कम किया सो नैचुरली कुछ चीज़ा ने जो अपने आप थोड़े अंदर आ जाए वो टेस्ट उस तरह के बन जाते हैं और डेफिनेटली उन्होंने फॉलो करने की कोशिश करी दी है। तो तुहाडा किहड़ा एक्सपीरियंस कोई यहोजा कोई यादगारी पल पूरी फिल्म के दौरान कोई रहा हो? मैं एक्चुअली हर मोमेंट फिल्म का इंजॉय करता जी हर शॉट जो चल रहा मैं इंजॉय करता तकरीबन इस तरह होंगे लेकिन एक जी चीज है कि काफ़ी एक्शन है इस फिल्म के जो मैं पहले कदम नहीं किया एक एक्शन सी ना बड़ा अच्छा वो और एक एंड के थोड़ी जी चेज है साड़ी दो ट्रक चल रहे हैं तो पिछे दो जीपा चल रही हैं है जी और मजे की गल सी कि गुरप्रीत चला रहा एक जीप जी है दूध ढिलो चला रहे हैं और असं हालांकि डुप्लीकेट्स लिया हुए स्टंट्स करने लिए जो दोनों बैठे उन्होंने शॉट दिते तो मतलब ये कि कई बार तो मैं डर जाता सी तो कई बार क्या भी वो बस करो आप इस ज्यादा नहीं करना लेकिन यह पता नहीं किन्नी कि एनर्जी सी इन्हें भी जो दीप जी विच एक भी गड्डी दूजे कभी अद्धी गड्डी चक्की जाती सी सो बाद देख के डर लगता सानू भी असीं किवें कीता मैं लगता गुरप्रीत तुसे पहले पंजाबी एक्टर होगे जिन्हां ने अपने एक्शन सीन आप ही कीता मैंने पहले का तो पता नहीं पर मैंने ये मैंने आखिरी जरूर लगता नहीं करने चाहिए ने पर उस वे डिसीजन चेंज हो जाता क्योंकि उस वे एनर्जी जिदा मांझी ने कहा कैसी आई होंगी है कमिटमेंट ऐसी होंगी मैंने पता ना डुप्लीकेट ने जो वधिया ना किया हाला शायद साढ़े तो वधिया कर पर सानू होंदा कि जिन्ना ओरिजिनल शॉट मिलेगा लोगों को मैं दिसांगा मेरे नाल अमन बैठा मैं ड्राइव कर रहा दीप भाजी और मेरी गड्डी बज रही है आपस में ठा करके जिहड़ा लोग इंजॉय करने डुप्लीकेट सानू छुपा के रखने पैंदे ने चेहरे नहीं ना फिर दिखा सकते उन्होंने साढ़े लोग जान मुठी चाह जाती जो स्क्रीन से देखते ना ओरिजिनल मैं चला रहा दीप भाजी आके पिछले गड्डी मार रहे हैं गड्डी मेरी अद्धी चक्की गई फिर सड़क से टायर आता था वापस वो बड़ा डेंजरस है पर असी कर गए पता नहीं किदा करके बाद च वेख के आप भी डरे भी गलत काम कर लिया है पर उस एक एनर्जी ऐसी आई होंगी है उदो हो जाता है चीज यही मेमोरेबल एक्सपीरियंस जेटा कहना रहा यह सी बाकी जे मैं इदा गल करा एक बड़ी ह्यूमरस गल है जी सारी जिंदगी मैं याद रहेगी क्योंकि असं कर रहे फतेहगढ़ साहब पुलिस लाइन के शूटिंग असी थाना बनाया हुआ तो ओरिजिनली उत्थे पुलिस लाइन चल भी रही थी उत्थे लोगों नू रोज पुलिस वाले नू 500 बंदे नू उत्थे काम पैंदा सी जी उन्हें रोज चलती शूटिंग च आ जाना जेरे कोऑपरेट बड़े करते इधर कैमरा लाते उन्होंने दफ्तर चुका के उधर कर दीदा सी कैमरा इधर आ गया भाजी इधर भी दफ्तर चुके इधर लै बेचारे मनी जाते उत्थे ट्रांसफर कराई गए उत्थे ही कराई गए जी पर एक सब तो वधिया गल सी क्योंकि इन्निया वर्दियां च पता नहीं लगता कौन ओरिजिनल ते कौन जाली है और मैं इंस्पैक्टर नू मान लो मैं कदे इदां बैठा वा हुण मेरा चेहरा पछाणिया नहीं जा रहा या अचानक मैं किसी के सामने आ गया उन्हां दे रैंक देखना 3 स्टार लगे ने जिहड़ा मैं उत्थे 7-800 जाली सलूट खादा ना ओरिजिनल पुलिस वाले कोल वो नहीं मैंने भुलना बेचारे आते सीधे सीधे सलूट दे जाली जो सलूट बज गया भी मैं ठीक नहीं है जिन्हें सलूट मारता पर हौली हौली वापस आते मैं भी ऐ शो करता मैं नहीं देखे कुछ भी है वो भी ऐ करता भी तेरू नहीं मारा सलूट पग ही ठीक कर दे सो जो मैं उस चीज को बहुत इंजॉय किया है तो इस अलावा डायलॉग जोड़े ने असं बहुत इंजॉय कर रहे हैं प्रोमोस चो हूँ लोग जो फिल्म देखेंगे वो भी इंजॉय करेंगे कोई यहोजा डायलॉग जोड़ा तुम्हें लगे कि लोगों को हसास आके पुठियां कर देगा फिल्म का नहीं हसास आके पुठियां करने वाले तो बहुत डायलॉग ये है जी वो सिचुएशन से ज्यादा वधिया लगते हैं पर एक मैं इस डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है जदों दीप ढिल्लों बड़ा साडा मतलब विलन एडा जांबाज थाने जाके वड्डी सारी गड्डी च मेरे ते प्रभाव पाउण लई मैं नवा SHO ज्वाइन किया वड्डी सारी गड्डी च आके बाहर निकलता है तो मेरा जूनियर मेरा सबॉर्डिनेट आके उन्हें कहता है ठेकेदार साहब अज थानेदार आ किवें भुल गए मैनू सुना के कह रहे छोटे थानेदार नू कहिंदा थानेदार आ शेर सप ते छलेडा कदे राह नहीं भुलदे बेलिया सुना मैनू रे उधर मेरी एंट्री हुंदी मैं कहना जी हजूर नू फिर शेर समझिए सप के छलेडा ना ही होके निकल जाने के बंदा है भी कब्बा ही है अगो तो बड़ा इंटरेस्टिंग इनकाउंटर सी जरा सा पहला इनकाउंटर सी आपस मैं पूरी उम्मीद है कि फिल्म नाल जरा लोगों का इनकाउंटर होएगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग ते बड़ा मेमोरेबल रहेगा तो सारे का बहुत बहुत शुक्रिया साडे स्टूडियो ते आने बहुत मेहरबानी बहुत बहुत सो मच थैंक यू सो मच।